बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मध्य प्रदेश में लगातार प्रदर्शन होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की माफी मांगे। उन्होंने कहा कि वह कौन होते हैं महिलाओं को कपड़े पहनने की सलाह देने वाले। उन्होंने जो बयान दिए हैं वह बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष प्रीति खरे का कहना है कि आज महिलाएं चांद पर जा रही हैं, पायलट बन चुकी हैं, ट्रेनें चला रही हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, क्या उनमें सभ्यता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिया है वह बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय सार्वजनिक तौर से माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश समेत पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय का एक पोस्टर जमीन पर डालकर जूते चप्पल से उनकी पिटाई भी कर दी। कैलाश विजयवर्गीय के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जल्द से जल्द माफी मांगे। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन विरोध जता रही है उस ट्रीटमेंट के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिया है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पहनावे के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं ये सवाल आज करना चाहूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लाडली बहना, पर क्या ये केवल मुखौटा पहने हुए सरकार है? उसका सरकार का असली चेहरा आज सामने आया, जब वो इतने बड़े नेता की जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। हम आज कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए और भाजपा सरकार को आगे आके महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं क्या पब सिस्टम में? क्या ये सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं पब सिस्टम में? पुरुषों के बारे में तो ऐसी कोई टिप्पणी कभी भी कोई नहीं करता है। और ये जो मानसिकता है ना पुरुषों की, यही मानसिकता महिलाओं को आज बढ़ने नहीं दे रही है। अगर आज जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर फील्ड में जहां 50% महिलाएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि घर के लोग महिलाओं को पीछे खींच लेते हैं यही बोलकर कि तुम्हारे बारे में लोग क्या टिप्पणियां करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणियां करना टोटली बंद करिए, महिलाओं को इंसान समझना शुरू करिए। महिलाएं महिलाएं नहीं है, वो इंसान है, वो भी पढ़ी लिखी बाहर निकलने के काबिल है, वो भी सब कुछ कर सकती है, चांद पर जा रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, तो महिलाएं कहां कम है। और इस तरह की जो आप पब्स की टिप्पणी कर रहे हैं, आप पुरुषों के बारे में भी करिए।